तो जय श्री राम दोस्तों, तो कैसे आप सभी। मेरा नाम है विमल और आप देख रहे हैं बीबी गेम पॉइंट चैनल। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम और अगले फागुन मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपके लिए करा गया माइनक्राफ्ट में खाटू श्याम जी का टेंपल। ओह माय गॉड, वाओ। और केवल खाटू श्याम जी का टेंपल ही नहीं गाइस, मैं आपके लिए पूरा खाटू श्याम जी का विलेज लेके आ गया, पूरी खाटू नगरी लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो मैंने पहन रखा है, हम श्याम दीवाने हैं। तो श्याम दीवाने के होने के तहत हमारा फर्ज बनता है कि हम बाबा श्याम की वो नगरी एक गेम में देखे। जी हाँ दोस्तों, हम इस बार जाने वाले हैं खाटू श्याम जी में। आपको पता है मैं पिछली बार एक बार महादेव को ला चुका हूँ अपने वर्ल्ड में, एक बार मैं ला चुका हूँ भगवान कृष्ण को, एक बार मैं ला चुका माता वैष्णो देवी को। अगर ये तीनों वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो अभी देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इन तीनों को देख सकते हैं। लेकिन तीनों को देखने से पहले आप पहले खाटू श्याम जी के दर्शन जरूर कीजिएगा। जी हाँ गाइस, आज मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने वाले हम लोग जाके, और माइनक्राफ्ट में आपको पूरा खाटू सिटी दिखाऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा खाटू के बारे में और अपना खुद का एक एक्सपीरियंस बताऊंगा, एक चमत्कार बताऊंगा बाबा श्याम का, जिससे आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं खाटू नगरी में। तो क्या है इस गेम में और क्या है इस गेम की बात, ये सब मैं आपको बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे वीवी गेमिंग पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हम गेमिंग वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं गेम की बात व्योम और बाबा श्याम के साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा मैप बन चुका है, मतलब मैप तैयार हो रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा खाटू श्याम जी का मैप है, इसमें जो कुछ बनाया मैंने बनाया। और एक चीज़ और दिखाऊंगा कि मैं इसकी फास्ट फॉरवर्डिंग वाली वीडियो नहीं डाल सकता इस बार, हर बार मैं डालता हूँ लेकिन इस बार मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ ऐड हुई है। और फिर मेरे को लगा था कि उसी में आपका 15-20 मिनट ख़राब हो जाएंगे अगर मैं कितना भी फास्ट फॉरवर्डिंग कर लूँ, फिर आप लोग बोलेंगे भाई ये मत दिखा या कर ऐसा कुछ, क्योंकि पहले भी आप लोग बोला है। तो इसलिए मैं खाटू श्याम जी का खाली टेंपल दिखाने वाला हूँ और कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा इस वक्त डे है, ये हमारी बाइक है, ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। क्या इस बाइक से चल के हम खाटू श्याम जी जाने वाले हैं। और यहाँ पे आपको दिखेगा मैंने कुछ शेडर्स लगाए हैं, तो इन शेडर की सहायता से हम खाटू श्याम जी जाएंगे। तो उससे पहले मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, मैं अपना क्रिएटिव मूड को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे अभी लगेगी वो मैं ले लेता हूँ, तो वो मैं ले लेता हूँ गोल एंड बस, और मेरे को क्रिएटिव हटाना जरूरी था। तो चलो ठीक है, तुम्हारी बाइक है एंड इसका मैं एक चीज़ और लगेगी यार, वो है इसकी चाबी, चाबी लेके आते हैं। तो यहाँ पर लेकिन मैं चाबी ले आया हूँ इसकी, तो अभी हमारे को बैठने का समय आ गया इस बाइक पे। इसको कैसे चलाना है, ये आ गया ट्रेन का बटन। तो चाबी खा ली इसने अभी अपने अंदर, ऐसे पेट्रोल भरना होगा हमें। तो भाई सर साउंड इफेक्ट बिल्कुल पेट्रोल वाली आ रही है। एक्चुअली मैं आपके साथ क्या क्या बोल रहा था मेरे को खुद को नहीं पता, मेरे को लगा वीडियो ऑन थी बट वीडियो ऑन नहीं थी। तो ये हमारा होटल, मेरे भगवान गणेश जी जाएंगे, होटल का नाम कविता, मैंने आपको अभी बताया था। एंड ये बाबा श्याम दिख जाएंगे आपको होटल में, मैं थोड़ा जोत के ऊपर से आपको दिखाता हूँ, तो ये ऐसे आपको दिख रहे होंगे। एंड ये सलासा जी महाराज, यहाँ के हमारे हनुमान जी है। यहाँ पर भी आपको कई सारी कस्टम पिक्चर दिख जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा और चलते हैं। तब हम खाटू के दूसरे होटल में आए, मैनेजर साहब आ गए अभी, अभी मेरे नीचे निकल हुआ अचानक आ गए। तो चलिए
अगला होटल देखते क्या है। और इन गाड़ी का मैंने मतलब वो मंगाया एक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर दिखाने के लिए। यहाँ से थोड़ा सा मैं लैग करना शुरू हो रहा है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी चीज़ें एडिट है। तो ये होटल के साथ, तो ये होटल का नाम देख लेते हैं। ये होटल ऐसा ही दिखता है जैसा रिज्यूमे में है। आई थिंक इसका नाम होटल लाला है। हाँ, होटल लाला इसका नाम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपको मिठाइयाँ दिख रही होगी। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे नीचे मिठाई है की दुकान है, ऊपर होटल है। तो ऊपर का मैं आपको नहीं दिखाऊँगा, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये लिफ्ट जा रही है, तो उस लिफ्ट से आप ऊपर भी जा सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम आगे चलते हैं। उसके बाद खाटू में अगर कोई सबसे फेमस होटल है तो वो है लगदातार होटल। तो उस लगदातार होटल को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड वो काफ़ी मॉड्यूलर होटल है एंड काफ़ी मॉड्यूलर चीज़ मैंने उसमें ऐड नहीं की। मैं चाहता पूरा मॉड्यूलर पैक का ऐड कर सकता था उसमें, बट मैंने नहीं किया। तो चलो देखते हैं। एंड ये बसें भी चलती है, जो आपको भी दिखी थी। तो आपका सबसे मॉड्यूलर जो है उसका ऑटोमेटिक गेट है, आपको दिख गया होगा कि मैंने नहीं खोला ये। यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी लोग हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए मैं सोफ़ा बनाया है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। विलेजर्स को दिखाता है वहाँ कर लिया। खैर अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, वो है यहाँ का एक्वेरियम। आई थिंक यहाँ पे मछली जिंदा हो, तो मछली आई थिंक सारी मर गई है यहाँ पे। आई डोंट नो क्यों, मैंने तरीका तो इसका यही था। पर चलो कोई बात नहीं, हम बुरी चीज़ें नहीं देखेंगे। यहाँ पे ये मैंने स्विमिंग पूल बनाया है, क्योंकि होटल है सच में वहाँ का। तो ये देखिए आपको, ये यहाँ पे पानी की तैयारी तो दिख रही होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे विलेजर्स भी है। और ये पीछे का सीन देखिए आप, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। यहाँ पे इस तरह से है, एंड मेरे को नहीं पता इस तरह रियल में है या नहीं, बट हाँ ये मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है। हम भी स्विमिंग पूल में नहा चुके हैं। हम शाम कुंड में भी जाएंगे, ये सब नहीं शाम कुंड में नहीं जाएंगे, हम शाम कुंड में भी जाएंगे। थोड़ा सा आपको और कमरे वमरे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा वृंदावन भी बनाया है इस होटल के अंदर, एक ऊपर मेरे को लगता है गार्डन टाइप होगा, तो उसको मैंने नाम वृंदावन दिया है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कई सारे आपको रूम्स दिख जाएंगे। इन रूम्स में मतलब शाम वक्त रहते हैं। और इनसे बकायदा मैंने आपको नंबर भी दे रखा है कि इस नंबर है, ये नंबर है। अब मैं सारे रूम नहीं दिखाने वाला, वरना वीडियो लंबी होगी, इसलिए मैं आपको स्किप करके सीधा उस वाले रूम में लेके जाता हूँ जो मैं बता रहा था। तो यहाँ पे चलते हैं, तो बस लैग भी कर रहे हैं इसलिए। देखिए हमारे लिफ्ट आ गए हम। तो काफ़ी रूम है इस होटल में, इसलिए मैंने इतना बनाया है, वरना रियल में मैं बनाता भी नहीं। ओके हम ज़्यादा ऊपर आ गए। तो यहाँ देखेंगे इसको मैं वृंदावन कहते हुए, यहाँ पर अपने देखा गए इसे पानी के टॉवर टाइप भी बने हुए हैं वॉल्स से, यानी पानी बह नहीं रहा है कहीं से भी। और ये पानी है एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे एंड यहाँ पर तुरंत आ जाते वक्त मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, वो है ये शाम सहायक है अपनो
नहीं दूसरों जग में और सहाय, नैन प्यास मन बावरे जब से, प्रीत है दिल माही बसाई, प्रीत है दिल माही बसाई, प्रीत है दिल माही बसाई, मोर पखा सिर पे है राज तेरे, और मोर छड़ी है सदा सक लाई, हम औरन को चुनिहारे भला, बस श्याम शरण है सदा सुखदाई, बस श्याम शरण है सदा सुखदाई, बस श्याम शरण है सदा सुखदाई। क्योंकि श्याम भक्त वो इस बात को समझ गए होंगे। खैर अभी चलता हूँ। वृंदावन क्या बनाया आपको, यहाँ पे वन दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी घना वन है ये, तो इसको मैंने वृंदावन नाम दिया। आई होप आप लोगों को पसंद है, एंड मैं पक्का नहीं कहता कि ऐसा रियल में होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा कहीं और चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने गार्डन क्या बनाया, यहाँ पे रैबिट्स भी है, यहाँ पे तोते भी है, मैं यहाँ पे मयूर भी ऐड करना चाह रहा था, बिकॉज खाटू है, मोर बहुत सारे दिख जाएंगे आपको देखने को। देखिए मोर वाला पैक भी मैंने लिया था, बट वो ऐड हुआ नहीं इसमें, आई डोंट नो क्यों। हाँ चलो कोई नहीं, खूब देखते आगे क्या होता है। यहाँ पे मैं यहाँ से सीधा छत से गिरा होगा, शॉर्टकट होगा वो चलना। यहाँ देखिए क्या आपको दिख रहा होगा, होटल लग जाता है, क्योंकि हम क्रिएटिव में तो डर की कोई बात तो है नहीं, यही सब सीधा शॉर्टकट तरीके से गिर जाएंगे। तो चलो अभी जाके चलते हैं। यहाँ पे कुछ खंडर घर भी है, तो ये खंडर घर मैंने बनाया हरे रंग का, आपको दिख रहा होगा, तो इसको छोड़ते हैं आगे चलते हैं। या फिर गाड़ियाँ थोड़ी ऐसी ऐसी पार्किंग लगी है, यहाँ पर कुछ होटल्स भी बनाया है, जैसे ये होटल आपको दिख रहा हो, होटल कह रहे हैं, दुकानें बनाई है, तो इस दुकान का नाम है श्री श्याम श्रृंगार, यहाँ पर बाबा श्याम का श्रृंगार का सामान मिलता है, तो इसको खोलते हैं अभी। और यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, तो अभी तो सब बिका हुआ मेरे को लग रहा है, तो यहाँ पे तो सब बिका हुआ है, एंड मैंने यहाँ पे रखा भी नहीं है, पर तरीके से बाबा श्याम के श्रृंगार का सामान है। और सबसे बड़ी बात है, इस दुकान को आप बंद भी कर सकते हैं यहीं से, जी हाँ, बाहर से भी अंदर से भी इस दुकान को बंद कर सकते हैं, भैया मैं पूरी तैयारी करके आया था। तो यहाँ पे इधर से इधर हमने लगाया एक शेड, और एक हमने लगाया इधर से, तो हमारी दुकान हो गई प्रॉपर बंद। मज़ा आ रहा है, कोई आके दिखा दो। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारी दुकान बन गई, बंद हो गई है, और यही सिस्टम मैंने बाहर भी किया है। तो अभी हम कहीं और देखते हैं, एंड ये कौन सी दुकान है, श्री श्याम इत्र भंडार, जी हाँ ये बाबा श्याम का इत्र की दुकान है, इत्र यानी कि परफ्यूम आप कह सकते हो, इंग्लिश में इसको वो परफ्यूम कहते हैं, हिंदी में इत्र कहते हैं, या फिर इत्र ही इत्र आपको देखने को मिल जाएंगे, और इस दुकान में आते ही आपको काफ़ी सुगंध आने वाली है इत्रों की। यहाँ पर वही सिस्टम कर रखा है मैंने, उसके बाद थोड़ा भी तो यहाँ पे एक और वो दिख जाएगा दुकान, जिसका नाम है श्री श्याम बॉयज वाले। तो यहाँ पे खिलौनों की भी काफ़ी दुकानें दिख जाएगी आपको, धार्मिक स्थल हो खिलौने ना हो ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे खिलौने की काफ़ी दुकानें दिख जाएगी, एक्चुअली मशीन के अंदर ही गिर गया था।
तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपको गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी, कुछ तो बिक्री गई है, गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी, एरोस मिल जाएगी, काफ़ी चीज़ें खिलौने आपको दिख जाएंगे और खिलौनों के चेस्ट भी दिख जाएंगे, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके एक और दुकान है हमारी आखिरी, श्री श्याम श्रृंगार स्टोर। तो ये आई थिंक हमने दो बार नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बाबा श्याम से रिलेटेड श्रृंगार का सामान मिलता है, मतलब वो जो था वो इंसान का था, तो ये बाबा श्याम से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे आपको बाबा श्याम का शीश मिल जाएगा, आपको दिख रहा होगा ये सारे शीश है बाबा श्याम के, एंड ये बाबा श्याम के छोटे शीश है, अगर आप बड़े शीश नहीं रख सकते तो आप छोटा शीश भी ले सकते हैं। ये बाबा श्याम के पोशाक है, यानी कि उनका बागा है, यहाँ पे देख सकते काफ़ी सारे बागा है, और ये बाबा श्याम का लीला घोड़ा है, और ये बाबा श्याम की मूर्ति भी ऐसे मिल जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये मैंने बनाई थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ विलेजेस भी है, विलेजरों का घर भी है, तो ये देखो ये इन लोगों का घर है, आपको दिख रहा होगा। और ऐसे यहाँ पे अच्छे अच्छे घर है, तो वो देखिए वो आपको हमारा खाटू मंदिर दिख रहा होगा, तो इस तरह खाटू मंदिर दिखता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा, जैसा मैंने बनाया जरूरी नहीं हर चीज़ वैसी हो या वही जगह पे हो। तो चलिए हमारे खाटू मंदिर में दिन में ही हमारे दर्शन हो जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो पहले मंदिर में घुसने से पहले घंटी बजा दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे जय श्री श्याम, कहते जाएंगे जय श्री श्याम जय श्री श्याम। ये नारियल है ब्राउन कलर का, वहाँ पे कई जगह ऐसी है जहाँ पे नारियल बांधे जाते हैं, मान्यता है कि अगर आप 125 रुपये और नारियल निकाल के अपने घर पे रख देते हो लाल कपड़े में, और बाबा से प्रार्थना करते हो कि हमारा ये काम हो जाए तो मैं वो नारियल और 125 रुपये चलाऊँगा, तो आपका काम जल्दी हो जाता है और हो जाता है, तो इसलिए लोग नारियल वहाँ पर बांधते हैं। आज भी कोई सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, कि ये वाली बात भी वैसी ही चीज़ है। मैंने यहाँ पे स्टोरी अगर मैं बताऊँ अपनी, तो मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ था, तो भाई मेरे साथ चमत्कार हुआ था कि मैं बोल सुन नहीं सकता था सबसे पहले, तो मैं बोल सुन नहीं सकता था, डिसेबल तो मैं अभी भी, लेकिन तब बहुत ज़्यादा वाला डिसेबल था, तो मैं बोल सुन नहीं सकता था। तो पापा के डॉक्टर ने को ये भी कह दिया था कि मैं ज़्यादा दिन तक नहीं बचूँगा। एक शाम प्रेमी थे, मैं उनका यहाँ पे नाम नहीं ले चाहता, तो एक शाम प्रेमी थे जिन्होंने मेरी मॉम को कहा कि आप 21 बार इनके कान में मेरे कान में ओम श्री श्याम देवाय नमः का जप करवाओ, अगर बाबा ने चाहा तो मैं शायद बोलने सुनने लग जाऊँगा। मेरा पहला शब्द जो था वो था बाबा, और उसके अंदर राधा बोला, और अब मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रंग बिरंगे निशान भी है, और ऐसे निशान वहाँ पे चलते भी रहते हैं। मैंने मैं बिना फागुन मेले का दृश्य आपको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि फागुन मेले का सीन तो बहुत अलग वाला ही होता है, अलग ही लेवल का होता है। अगर आप लोग चाहते हो फागुन मेले का दृश्य दिखाऊं, तो मुझे बता देना, मैं उसका दृश्य अभी तो नहीं फिर कभी लेके आऊँगा। यहाँ पर जल्दी से लाइन में आ जाते हैं, मंदिर अभी खाली से हम जल्दी जल्दी जा पा रहे हैं, नारियल में 2-4 घंटे लग जाते हैं मेले में खासकर। एंड ऐसी ही लाइनें वहाँ पे लगती है, तो जो जो खाटू गया है वो इस बात को एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे कि ये मतलब हाँ भाई कहीं ना कहीं वैसा ही मंदिर बनाने की कोशिश की है मैंने, मेरे को लगता है वो लाइन टूट गई है। तो आप लोग जरूर बताइएगा एक चीज़ और, कि आप लोग मतलब क्या कहते हैं यार, आप लोग में से कौन कौन खाटू गया है, और ये भी मेरे को बताइएगा कि आपको लगता है कि ये खाटू जैसा वही मंदिर है जैसा रियल में खाटू था, मेरे को जरूर बताइएगा। एंड अगर आप लोग अभी खाटू जाना चाहते हैं तो जाइए, तो पहले तो मेले के बाद जाने की मैं सलाह दूंगा, एंड मेले के बाद भी जाए या मेले से पहले जाए कोविड टेस्ट करा के जाए मैं सलाह दूंगा, एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना तो ज़रूरी है,
बिना उसके दर्शन नहीं हो रहे। भले आप कोविड टेस्ट ना भी कराए, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, पर मेले में तो कोविड टेस्ट भी कराना पड़ेगा। तो ये हमारी आखिरी लाइन है, उसके बाद आपको बाबा श्याम के दर्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, ये देखिए हम आ गए। अब यहाँ पे ऐसे कई सारी लाइन है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा। ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, ये पीपल का पेड़ है। देखिए ये वो पेड़ नहीं है जिसमें बाबा श्याम की परीक्षा ली गई थी, वो पेड़ हमारे दिल्ली में है, चुलकाना में। ये नॉर्मल एक पीपल का पेड़ है। अगर आपको जानना है कि बाबा श्याम ने चमत्कार, बाबा श्याम कौन है, तो शॉर्ट में अगर मैं कह दूँ तो ये भगवान कृष्ण के ही अवतार है, या रूप कह सकते हो, जिनको श्याम नाम दिया था। एंड इन्होंने अपना शीश का दान दे दिया था, और इनका दान क्यों दिया था वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मंदिर अपने ये कोई मंदिर बंद होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ ये था कि इन्होंने हारे का साथ देने का वचन अपनी माँ को दिया था। इनकी माता थी मौलवी माँ, यानी कि घटोत्कच जी की पत्नी। तो उस दौरान भगवान कृष्ण जानते थे कि हारने वाले कौरव है, तो इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाकर शीश का दान मांगा था। उन्होंने झट से शीश का दान दे दिया था। एंड जब महाभारत खत्म हुई तो पांडवों को एक अहंकार हो गया था कि महाभारत हमने जिताई है। तब भगवान कृष्ण ने बड़बड़ी जी से पूछा, श्याम बाबा से पूछा कि ये युद्ध किसने जिताया। तब उन्होंने बताया कि ये युद्ध तो भगवान कृष्ण ने जिताया है, और भगवान कृष्ण सब में थे और सब जगह थे। तब उन लोगों का अहंकार टूटा, और तब ये बात सुनकर भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि तुम खाटू श्याम नाम से पूजे जाओगे। ये मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताया अभी आपको कहानी। तो चलो यहाँ पर चलते हैं। मंदिर की वो 13 सीढ़ी है जहाँ पे मानता है कि यहाँ पे आप एक एक सीढ़ी चलते जाओगे तो आपका काम बनता रहेगा। तो मैं तो यहाँ पर आराम से चलने वाले भैया। तो यहाँ पे यहाँ पर देखेंगे, मैं एक एक सीढ़ी चलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर देखेंगे तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मंदिर में हम आ गए हैं। अगर मैं डिफ़िकल्टी को तो मंदिर में पहुँचते पहुँचते मैं रात तो हो ही गई है, अगर स्टोरी नहीं बताता तो दिन ही रहता, लेकिन रात हो गई है। तो ये हमारा मंदिर है, इसको सिंह द्वार कहते हैं। मैं आपको पहले इसके दर्शन कराता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे दोनों तरफ लॉइन की एक मूर्ति रहती है कि मेरे से वो लिंग बन पाई, तो मैंने नहीं बनाई है, इसलिए इसको सिंह द्वार कहते हैं। यहाँ पे भगवान गणेश आपको दिख देंगे। एक चीज़ और मैंने बनाई थी, वो खा गई तो पोस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। एंड पीछे भी आपने एक चीज़ देखी होगी या नहीं, पीछे लिखा हुआ था हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इसका मतलब है कि जो हार के आता है ये उनका सहारा बनते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ पे बंदे की लंबाई काफ़ी कम है, तो ये तो बैल नहीं बजा सकता। मैं सर बताऊँ तो यहाँ पे ये वाली बैल है, ये रियल में भी नहीं बजती है। इसका कारण है कि यहाँ का मानना है जो यहाँ के राजा थे, अहंकारवश बाबा श्याम को ये बैल चढ़ाई थी, कि मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ थी उनके लिए। तो तब बाबा श्याम का ऐसा चमत्कार हुआ कि ये बैल बजना ही बंद हो गई, और तब से बजती नहीं है, बस वहाँ पे लटकी हुई है। तो यहाँ पे बाबा श्याम की ऐसी ही लाइन होती है। एंड ये दान पेटिया है, ये देखिए आपको बाबा श्याम दिख रहे होंगे दूर से। तो यहाँ पर भैया ये मंदिर तो पर्सनल है, अपना मंदिर है, तो यहाँ पर पास से भी कर सकते हैं दर्शन। पर कोविड के कारण वैसे भी यहाँ पर थोड़ा दर्शन आपको इसी दूरी से होते हैं, और वहाँ पर शीश काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा स्वरूप होता है इनका, तो आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितना शायद अभी भी बोलिए। क्या देखिए यहाँ पे आपको करवा रहे दर्शन अच्छे से। तो यहाँ पे देखेंगे ये पंडित जी हमारे, और यहाँ पे देखेंगे 3 बार मैंने बनाने की कोशिश की है और ये मेरे से टूट गया अभी अभी। देखिए एक चीज़ मैं कह दूँ कि ऐसा नहीं है कि ऐसा रियल में है, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर, कि आपको 3 बार देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं
कहना चाहूँगा। तो हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टैचूस चांदी का बढ़ गई है, इसका चांदी समझ सकते हैं। और ये अंदर असली गोल्ड का, तो गोल्ड नहीं असली, इसको सोने का पानी है वो, एंड ये इस तरह से है। एंड पर यहाँ पर देखेंगे भगवान कृष्ण की काफ़ी सारे चित्र लगा हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्र है, वहाँ पे आज भी है, वहाँ पे हमेशा ऐसा रहता है। ये जो है फोटो, ये आलू सिंह जी महाराज और श्याम बहादुर जी महाराज की फोटो है, जो बाबा श्याम का जिन्हें घर घर में प्रचार किया, और ये प्रथम प्रचारक थे बाबा श्याम के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन लोगों की छवि को। तो यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बता दूँ खाटू के बारे में चीज़ें। खाटू कैसे पहुँचने रियल में, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि खाटू कैसे आना है। यहाँ पे ये जो है ये गोपीनाथ जी मंदिर है, यहाँ पे इस तरह से मंदिर सच में है गोपीनाथ जी का। तो यहाँ पे उनको गोपीनाथ जी कहते हैं। यहाँ पे भी आपने दर्शन कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा और चलते हैं और खाटू के बारे में देखते हैं। यहाँ मंदिर के पीछे भी देखेंगे कुछ चीज़ें हैं हमें। यहाँ पे लोग बैठ के एक्चुअली भजन करते हैं जब मंदिर बंद हो जाता है तब। ये नगाड़ा है जिसको नगाड़ा आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा। मान्यता है कि इस नगाड़े को 5 रुपये बजाकर अगर आप नगाड़े वाले को कुछ भी दे देते हैं जो आपकी जेब से निकले पैसा, तो आपकी वो इच्छा पूरी होती है। और मैंने नगाड़ा बचपन में बहुत बार बजाया है। तो चलिए चलते और थोड़ा आगे। यहाँ पे भगवान शिव के पर ये पंडित जी चढ़े हुए थे, इनको अज्ञानी पंडित जी कहा जाइए, पर मैं अभी नहीं चलूँगा। ये भगवान शिव की मूर्ति है वहाँ पे, वहाँ पे ऐसी शिवलिंग आज भी है। एंड शिवलिंग का एक महत्व मैं आपको बताऊँ जिस गेम में है, वो ये कि इसमें से सही में जल टपक रहा है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें सच में जल टपक रहा है। अभी टपक कैसे रहते मैं आपको बताऊँ, तो मैंने यहाँ पे स्पंज का यूज़ किया है। पहले मैं स्पंज का ऐसे वो बनाया, क्या कहते हैं उसको, कमंडल टाइप कह सकते हैं उसको, जो लगाते हैं भोलेनाथ के सर के ऊपर। एंड ऊपर से मैं जल गिरा दिया, तो मेरे को पता है स्पंज सोख लेता है पानी को। तो स्पंज का वही जल भगवान शिव के ऊपर टपक रहा है और निरंतर टपकता रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से व्यू दिखा देता हूँ मंदिर का कैसा है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सच में वो रंग बिरंगे निशान हैं जो आपको खाटू में देखने को मिल जाएंगे ऊपर के साइड से, ये देखिए। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है कि कोई बात नहीं, अभी तो काफ़ी चीज़ें देखना बाकी है खाटू के बारे में। यहाँ पे भी देखेंगे इस तरह से है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊँगा, लेकिन वो चीज़ का भी क्लियर करता हूँ, मैं नहीं कहता ऐसा रियल में है, क्योंकि खाटू में सच में ऐसा चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने अपने हिसाब से बनाया है। तो ये वो दृश्य मैंने बनाया है जब भगवान कृष्ण ने बाबा श्याम से शीश का दान मांगा था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उनका धनुष है, काफ़ी बड़ा बनाया है मैंने, काफ़ी बड़ा धनुष है ये। ये उनकी वो बॉडी है, ये उनके 3 एरोस है, इनको 3 बाण भी कहते हैं। ये उनका वो धड़ है जिसका मतलब शीश का, तब आप देख सकते हैं खून है वो लाल रंग का। इनकी ज्वेलरीज है, इनका एक पैर फोल्डेबल है और दूसरा पैर भी आगे खड़ा कर रखा है उन्होंने। ये उनका, एक सेकेंड, ये उनका शीश है जो दे रहे अपना। ये भगवान कृष्ण है, आपको दिख रहे होंगे ब्लू कलर में, जिन्होंने इनका शीश का दान लिया। और वो दृश्य मैंने दिखाने की कोशिश की आपको। तो धीरे सुबह भी हो रही है। एंड ये वो तलवार है
किसी ने प्रेस स्कोर काट के दिया था। एंड ये है उनका नीला घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये उनका नीला घोड़ा है जिसका मतलब आज जीवित मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो मैं चाहता इसको बना भी सकता था लेकिन मैं सोचा था हो पा रहा है तो क्या दिक्कत है। तो ये बाबा शाम का वो लीला घोड़ा है, आपको दिख रहा होगा। तो चल जब धीरे धीरे सुबह हो गई है और अब हम शाम कुंड की तरफ चलते हैं और बताते हैं शाम कुंड की महिमा क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे ये खाटू नगर ये पूरी। एंड आप लोग मेरे को बताइएगा, मैंने इसको शेडर्स के साथ बनाया है। बिना शेडर्स के अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मैं शेडर के बिना इंस्टाग्राम पर दिखाऊंगा। और लास्ट में वीडियो में रील वर्सेस रियल भी दिखाऊंगा, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो ये शाम कुंड है, मान्यता है कि इस कुंड में नहाने से बड़ी बीमारियाँ भी ठीक हो जाती है एंड धन संपत्ति सब मिलती है। और एक चीज़ और बताऊँगा शाम कुंड के बारे में, जो ये वाला शाम कुंड मैंने बनाया ये मेल शाम कुंड बनाया है, और ऐसे फीमेल शाम कुंड अलग है जिससे सिर्फ महिलाएं नहाती है। तो ये फीमेल शाम कुंड है, मैं अंदर नहीं जा सकता बिकॉज आप समझ सकते मैं मेल हूँ। बाकी एक चीज़ और बताऊँगा कि जो रियल में शीश निकला था वो फीमेल शाम कुंड से ही निकला था और मेल शाम कुंड से नहीं निकला था। कई लोगों को लगता है मेल शाम कुंड से शीश निकला है, बट मेल शाम कुंड में पानी भरा जाता है पाइप से। देखिए प्रभावशाली जल वो भी है बिकॉज उससे बाबा शाम को ललाया जाता है, तो इसलिए मेल शाम कुंड भी उतना ही प्रभावशाली है जितना फीमेल शाम कुंड है। तो चलिए अब हम चलते हैं शाम बगीचे की ओर और देखते हैं शाम बगीचे का क्या सीन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जरा ये शाम बगीचे का गेट मैंने बनाया है कि यहाँ से हम चलेंगे। यहाँ देखेंगे आप मेरे को जो बताइएगा शाम बगीचे आपको कैसे दिख रही है। तो यहाँ पे क्रिएटिव में अब जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि शाम बगीचे काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपको फुल जंगल देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे तो काफ़ी जंगल टाइप बना दिया है बट रियल में इतना जंगल नहीं है। तो हाँ बगीचा दिखाता हूँ, मैंने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया, जितने पेड़ पौधे थे जितने भी चीज़ें थी पेड़ वेड़ है वहाँ पे फूल वूल है। एंड ये शाम बगीचे बना कैसे, तो इसकी स्टोरी ये है कि जो आलू सिंह जी महाराज जी है उन्होंने शाम बगीचे का निर्माण कराया था क्योंकि वो पहले अजमेर से खाटू श्याम जी का लिए फूल लाते थे श्रृंगार के लिए। अब आपको पता है अजमेर और खाटू काफ़ी दूर है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो वहाँ से वो फूल लेके आते थे, आई डोंट नो बाइक से लाते थे पैदल लाते थे लेकिन डेली वो लाते थे। लेकिन जब वो बुज़ुर्ग हो गए तब उन्होंने ये शाम बगीचे का निर्माण कराया एंड यहीं से वो फूल लाने लग गए। तो यह आलू सिंह जी का एक मंदिर टाइप भी है। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने बनाई है जैसे ये बैठने की जगह है, एक मैंने बहुत बढ़िया वो भी बनाया क्या कहते हैं उसको। पॉन्ड भी बनाया मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ पॉन्ड यहीं कहीं होगा एक्चुअली। ये रहा वो पॉन्ड, तो यहाँ पर देखिए पॉन्ड भी मैंने बनाया है, ऐसा रियल में आई डोंट नो है या नहीं, मेरे हिसाब से शायद नहीं है। अब शाम बगीचे की एक और चीज़ बताऊँगा कि मैं शाम बगीचे बहुत बचपन में गया था, अच्छा ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे जाता था मैं, जब भी खाटू जाता था तो हाई पे ओके आते थे, ऐसा नहीं है। तो मेरे को अब याद नहीं है कि शाम बगीचे कैसी दिखती है, ये मैंने अपना प्रॉपर अपने दिमाग से बनाया कि ऐसा दिखता होगा। यहाँ पर पम्पकिन भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे कैक्टस वैक्टस भी है क्योंकि खाटू है तो कैक्टस होना आम बात है लेकिन वो रेगिस्तान जगह है। तो ये पूरा खाटू को गांव दिख चुका है, आप देख सकते हैं पूरा खाटू गांव आपको देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जाते जाते मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पहले तोरण द्वार पे पहुँच जाऊँ फिर मैं कहूँगा। तो मैं कहा आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा खाटू में क्या लगा,
अब क्या आपको अजीब लगा? और मेरे को सबसे ज़्यादा ये जरूर बताइएगा कि जो खाटू गए है कि भाई टेम्पल कैसा था? टेम्पल मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो भाई ये जरूर बताइएगा टेम्पल कैसा था। तो यहाँ पर जल्दी से चलते हैं तोरण द्वार की ओर और देखते हैं। और ये हम आ चुके हैं। तो जाते जाते मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मैं तो बाइक पे बैठ जाऊँ फिर मैं कहूँ, क्योंकि अब हम खाटू से अपने घर की ओर जा रहे हैं। वही दो ही बात कहूँगा, एक तो बाबा साहब आपको भी खाटू जरूर बुलाए, एंड आप लोग भी खाटू जाओ, ये बाइक चल रहा यार, मैं बाइक चल के गया। तो मैं एक ही चाहूँगा कह गया बस गए नन मेरो कानो और कछु ना मोही भावे लट लट कने या देखू जब से बस चैन कहा अब मोही आवे चैन कहा अब मोही आवे चैन कहा बस मोही आवे एक छवि बस शाम की देखो और कछु ना अब मोही सुहावे जाने लगू जच जगत को छोड़ कर बस शाम सने ही मोही भावे श्याम सने ही मोही भावे श्याम सने ही अब मोही ये भावे। तो ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, साथ में दबाना इस बेल आइकन को ताकि मेरी ऐसी गेमिंग वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री श्याम, बाय बाय।